बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। आज की इस वीडियो में मैं करवाऊंगा कैलकुलस की बुक में से आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मैथ वीबीएन सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के थ्रू मिले, और मेरे फेसबुक पेज मैथ वीबीएन को भी लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था आर्क लेंथ इन कार्टियन फॉर्म एंड इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो आज हम पढ़ेंगे आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट। इससे अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो इससे पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है। उससे अगला हम कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आर एंड थीटा। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। लेट द कर्व इज गिवन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, r is equal to f of theta, dr over d theta is equal to f dash of theta। हमने इसको लिख लिया क्योंकि हमें ये next हमारे काम आएगा। हमने r की value निकाल ली ये वाली, तो हम लिख सकते हैं x is equal to f of theta cos theta, y is equal to f of theta sin theta, differentiating on both side, dx over d theta is equal to f of theta is equal into minus sine theta plus cos theta f dash of theta। ये हमने product rule इस पर apply कर दिया, तो आप इसको इस तरह से लिख दें। Similarly dy over d theta भी आप उसका derivative देके इस तरह से लिख दें। इसके बाद आपने क्या करना है, scaling and adding 1 and 2, इन दोनों को हमने square भी कर देना है, add भी कर देना है at a time। dx over d theta प्लस डी वाई और डी थीटा, और उनका सेपरेट सेपरेट स्केयर लिया, इसका स्केयर ले लिया, इसका ले लिया, इन दोनों को हमने आपस में सम अप कर दिया, एड अप कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपने करना ये है कि आपने सिंपली इनके स्केयर ओपन कर देने हैं। स्केयर ओपन करने के बाद कुछ वैल्यूज आपकी कट जाएंगी, कुछ आपके पास बच जाएंगी, और सारी वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया हुआ है, तो इसको जब आप फाइनलाइज करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा f स्क्वायर थीटा माइनस f डैश स्क्वायर थीटा, आपके पास ये आ जाएंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सारी तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, r इज इक्वल टू f थीटा होता है, dr ओवर d थीटा इज इक्वल टू f डैश ऑफ थीटा, हमारे पास ये है, स्क्वायर रूट ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, dx over d theta plus dy over d theta is equal to r square plus dr over d theta, तो हमारे पास ये, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लिमिट भी अप्लाई कर दी, अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा r square theta plus dr over d theta is equal to साथ d theta आ जाएगा। ये हमारे पास है आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं आगे ताकि हमें समझ आ जाए। Find the length of the cardioid. हमारे पास ये cardioid curve होते हैं। R is equal to a into 1 plus sine theta. अब हमारे पास ये curve given है। तो ये cardioid का curve है 1 plus sine theta, 1 plus cos theta. अगर जैसे भी हो आप इसको study करें cardioid को complete, तो आपको ये curve मिलेगा, मिलेंगे different curve मिलेंगे। अब हमने इसकी symmetry check करनी है पहले। If we replace theta by pi minus theta. हमने पाए सॉरी इसको हमने पाए माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो द इक्वेजन वन इज नॉट चेंज, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि 90 माइनस थीटा हम इसको चेक कर रहे हैं। द शेप ऑफ द कर्व इफ थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू हाफ कर्व इज फॉर्म्ड, तो हमारे पास आ जाएगा ये शेप इस तरह की कर्व की बनेगी माइनस पाई टू पाई बाई टू, तो सिमेट्री है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू आ गया इधर हमारे पास। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है हमारा, आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस साइन थीटा, डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, स्क्वेयरिंग डी आर ओवर डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब हमने क्या करना है, एडिंग आर स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे आर स्क्वेयर कर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। आर की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको करने के बाद हमारे पास आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन प्लस साइन स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हुए तो ये वन हो गया, टू प्लस टू हो गया, टू प्लस टू साइन थीटा आ गया। अब यहां से हमने टू कॉमन ले लिया, टू कॉमन लेंगे तो टू ए स्क्वेयर हो जाएगा, टू के ऊपर स्क्वेयर हो जाएगा, टू ए स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर रूट ले लिया तो बोथ साइड पे स्क्वेयर रूट लिया तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ गया। अब हमने माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू आ गया और ये हमारे पास आ गया। लेट जो है हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, तो हमारे पास डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी थीटा आ गया। तो हमारे हमारे पास यहाँ पे देखिए डी फाई आ गया, सॉरी ये फाई है, थीटा बाई टू माइनस फाई, थीटा ही तो हम लिया हुआ था हमने, फाई आ गया। तो अगर थीटा वेरी करते हैं माइनस पाई बाई टू तो फाई जो हमारे पास आ जाएगा पाई आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू लिखेंगे ना जब आप इधर, तो ये देखिए इसको उधर ले जाएंगे, पाई बाई टू सम अप होके एक पाई बन जाएगा। अब इसी जगह पे थीटा को पाई बाई टू से रिप्लेस करेंगे तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू जीरो आ जाएगा, तो फाई जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास जो लिमिट चेंज हुई वो इस तरह से हुई कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू था, माइनस पाई बाय की जगह टू, माइनस पाई बाय टू की जगह पे हमारे पास पाई आया और पाई बाय टू की जगह पे जीरो आ गया। तो हमारे पास इस तरह से आया। जब हम इसको इसको सिंपलीफाई करके ये वाली हमने जो पुट किए हुए हैं इनको हमने इस तरह से लिखा तो हमारे पास साइन पाई बाय टू माइनस पाई ये होगा कॉस पाई और ये माइनस डी थीटा। तो हम लिमिट को चेंज कर देते हैं, ये माइनस जब लिमिट को चेंज करेंगे जीरो टू पाई बाई टू, सॉरी जीरो टू पाई, इस लिमिट को चेंज किया तो ये माइनस हो जाता है, माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स कि ये वाला माइनस जब हम बाहर लेके जाएंगे लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लिमिट वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू। अब इस इंटीग्रेशन करके आप निकाल लें, ये आंसर आ गया कॉस फाइव बाई टू फाइव कॉस 5 बाई टू और ये हमारे पास 5 में फंक्शन था, लिमिट पुट कर दें 0 टू पाई बाई टू। लिमिट पुट करने के बाद आप ये देखें ये यहाँ पे जो आपके पास ये वहीं से चलता आ रहा है, तो लिमिट पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये था आज का क्वेश्चन आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें, मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ वीपीएन को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी के रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा, एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा 6.1। तो तीन तरह के हमने कर लिए, आर्क लेंथ इन कार्टियन फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म और इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। Thanks for watching this video. Inshallah, very soon I will meet you in the next actual office.